बहुत लंबा चौड़ा हिसाब किताब है, इसका कम्युनिकेशन में पूरी पूरी किताब लिखी जाती है, लेकिन इसका सारांश मैं बता रहा हूं। ब्रो क्या हो रहा है? बस सर बता रहे हैं सेल्स में क्या होता है। देख सकते हैं प्रियस भैया का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे प्रियस भैया। देखिए ये देखिए टोमेटो पिज्जा है, ठंडा भी आ गया है, देख रहा है। हेलो मित्रों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज का सीन क्या है गाइस, आज फिर सुबह का 10 बज रहे हैं और हम कॉलेज जा रहे हैं। बहुत धूप है सुबह का 10 बजे भाई, गर्मी बहुत ज़बरदस्त आ गया है। तो देखिए सीन आज का क्या है कि आज 10 बज गए हैं, फिर हम अपना कॉलेज जा रहे हैं और आज फिर कॉलेज में एक सेमिनार है। क्योंकि मत 10 दिन पहले भी एक सेमिनार हुआ था, पर आज एक अलग सेमिनार है। आज हम सर बताएंगे कि एक बाहर से कोई फैकल्टी आए हैं मेरे कॉलेज में, जो कि बताएंगे कि मल्टीनेशनल कंपनी में कैसे काम होता है आईटी फील्ड में, और उसमें घुसना कैसे है ये सब। मतलब सेमिनार में जो भी कुछ भी होगा, अभी ब्रीफली इतना ही हमको पता है। तो चलिए सेमिनार में और क्या होगा, सेमिनार ख़त्म होने के बाद आपको बताएंगे। और दोस्तों के साथ पिछला ब्लॉग तो आप लोग देखे ही होंगे, तो देखिए कितना मस्ती हुआ था पिछला ब्लॉग में। तो कोशिश करेंगे कि इस ब्लॉग भी मस्ती हो, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। देखिए गाइस अपना दोस्त आ रहे हैं, यही पॉइंट है हम दोनों का मिलने का। और क्या ब्रो आ गया, आज क्या होने वाला है सेमिनार में? वही होगा, देखा जाए। तो ब्रो आज क्या सीखने वाले हैं हम लोग? बस यही सीखेंगे हम कि कैसे मल्टीनेशनल कंपनी में काम होता है, ये सब सारा जो सेमिनार में यही सब। ये सर बाहर से आए फैकल्टी नहीं? हाँ ये भी बाहर से आए। तो चलिए देख पिछले सेमिनार में हम लोग क्या सीखे थे। पिछले सेमिनार में एंड्रॉइड डेवलपमेंट और वेब डिजाइनिंग वगैरह सीखे थे। यहाँ मल्टीनेशनल कंपनी में कैसे जाना, वहाँ कैसे काम होता है, ये सब का एक्सपीरियंस सर हम लोग को देंगे। हाँ चलिए दोस्तों के साथ मस्ती होगा, पिछले ब्लॉग में तो हुआ ही था क्या? बिल्कुल। हाँ तो इस ब्लॉग में भी देखते हैं क्या मस्ती होगा, चलिए चलते मिलते हैं, हम लोग लेट हो रहे हैं, चलिए मिलते हैं कॉलेज। सेमिनार कैसे स्टार्ट हो गया, देख सकते हैं हम थोड़ा लेट हो गए, मतलब क्या हो गया। जी सर बताया, आप किसी चीज के बारे में कैसा महसूस करते हैं, उस एहसास को सामने वाले के दिमाग में उतारने की वाह सर तालियां। क्या बात है, समझ आई बात? जी सर। किसी भी चीज के बारे में आप जो जो भी फीलिंग रख रहे हैं, उस फीलिंग को सामने वाले के दिमाग में एज इट इज उतार देने की जो कला है उसको कम्युनिकेशन कर। लाइकवाइज अगर आप बैठे मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं, अगर आपको यह अंदाजा होगा कि इस बंदे से मेरे कैरियर में सपोर्ट हो सकता है, यानी कि आपका गेम तो आपके संबंध मुझसे बनेगा। अच्छा समझ आ रही बात? जी जी। नेटवर्किंग का बेसिस बता रहा हूँ कि नेटवर्किंग कैसे की जा सकती है। ब्रो क्या हो रहा है? बस सर बता रहे हैं सेल्स में क्या होता है, जनरली बीबीए वाले के लिए हमको लगता है क्योंकि आईटी का इससे दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है। सेल्स के बारे में बता रहे हैं, वही सब कैसे बिजनेस किया जाता है, तो इसमें बीबीए वाले ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, तो हम लोग इसमें एक्सपर्टीज नहीं है। सो हम लोग आउट, आई एम आउट। एक्सक्यूज मी सर, इसमें सर स्कोप क्या है सर करने के बाद? हाँ जी सर, पहला जी आप में से जो परफॉर्मर होगा दैट विल बी अनियर का इसका पहला है। दूसरा लिखा हुआ है कि जो परफॉर्मर थोड़ा सा मतलब कंपैरेटिवली उसका जिसका भी प्रोग्राम है, कंपैरेटिवली दो साइड पे जाके उनको ये सर्टिफिकेट मिलेगा जो बीएफएसआई स्पेंडिंग एंड फाइनेंस इंडस्ट्री जी बीएफएसआई इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर आज के तारीख में, जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रहा है वो बीएफएसआई। बीएफएसआई में आपका ये सर्टिफिकेट आपको बहुत हेल्प करेगा क्योंकि उनको टाइम टेस्टेड और तीसरी बात कि व्यवसाय से बियॉन्ड भी जाकर के तो मैंने आपको पहले ही समझाया हुआ है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में 50% सेल्स होता है एवरीबडी, आप डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, एस्ट्रोनॉट बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, इसरो भी आज अपने सर्विसेज को सेल कर रही है,
किसी भी प्रोफेशन में जाओगे आपको सेल्स अपॉर्चुनिटी लेनी पड़ेगी। तो सर इससे सिर्फ सेल्स का एक तो मतलब था नॉलेज हो जाएगा, जॉब नहीं दे पाएगा। ओके सर समझ गया क्या हो रहा है। समझ क्या समझा तुम समझा इससे सेल्स के बारे में तुमको जानकारी मिल जाएगा। इससे क्या होगा तुम दवा जनरल स्टोर खोल सकता है, तुम ले लो इस मेरी कोई इतना छोटे गांव से आगे आप पढ़ रहे हैं दुकान खोलने के। बात तो सही है। कौन सा रहा है बट एम्प्लॉय नहीं, दैट मींस एम्प्लॉय वही बन सकते हैं जिनके अंदर में कैपेबिलिटी है, जो मुंह से बोल सकता है। हम भी बोल ही रहे हैं, तो ये जो मुंह से आवाज निकल रहा है मेरा, ये 30 साल 35 साल का एक्सपीरियंस निकल रहा है। तो गाइस सेमिनार खत्म हो गया है ब्रो, सेमिनार खत्म हो गया ना, क्या मजा आया सेमिनार में? बीपीए वालों के लिए था सेल्स कैसे करना है। आईटी के स्टूडेंट आईटी के लिए सकता। हाँ तो हम लोग फिर भी कुछ अपना आगे सीख लिए क्या। देख सकते प्रियस भैया का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे प्रियस भैया। I would like to greet you the happy birthday and wish you। उनके तरफ से क्या मिल रहा है पार्टी में? हाँ पिज्जा मिल रहा है। पिज्जा मिल रहा है, ठंडा वंडा मिला है क्या भैया? पूरा व्यवस्था। क्या बात है भैया, तो एकदम जबरदस्त पार्टी दे रहे हैं। सर क्या बोलना चाहिए आप प्रियस भैया के बर्थडे पे? प्रियस दिन दुना रात चौगुना तरक्की करे, मेरे तरफ से इनको इच्छा भी है और बधाई भी है, और हमको भी पिज्जा मिला है केचप पार्टी मिल रहा है। नहीं सर धन्यवाद प्रियस। और भाई तुम क्या बोलना चाहेंगे पार्टी दे रहे हैं? मेरे तरफ से प्रियस भैया को लाख लाख बधाई उनके अवतरण दिवस। भैया लाखों वर्ष दिए सही पार्टी, हजारों वर्ष दिए यही पार्टी, हर साल इसी तरीके से पार्टी देते रहे और हम सबको और पिज्जा खिलाते रहे। और बॉबी भाई प्रियस भैया के जन्मदिन पर पिज्जा मिल रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? इनका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही ये रुक रहे हैं और आगे बढ़ते रहे और हर साल पार्टी दे, हर साल पिज्जा का पार्टी दे, और हम लोग के बीच में ही रहे और हम लोग के साथ ग्रोथ हो रही है, यही कहना चाहते हैं। और इनसे पूछ लीजिए इमरान भैया। हाँ इमरान भैया बताया जाए पिज्जा पार्टी प्रियस भैया के जन्मदिन पर। प्रियस को काफ़ी शुभकामनाएँ, शुभकामनाएँ ऐसी हमारे साथ रहें वक्त बिताएं। ठंडा भी आ गया है देख रहा है ठंडा। अरोड़ा भैया बताइए, ठंडा भी बताइए, थोड़ा चश्मा लगा लिए बताइए भैया, उनको सर बधाई दीजिए पार्टी है। हाँ आपका आपके हमेशा होती है, कल ऐसा ही पिज्जा पार्टी देते रहे क्या? देखिए टोमेटो पिज्जा है। प्रियस भैया जन्मदिन के ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, और इतना अच्छा पार्टी देने के लिए पिज्जा का भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू भैया, देखिए ठंडा पार्टी भी दे दिया लास्ट में पिज्जा पार्टी के साथ। ठंडा जरूरी है, गर्मी इतना है कि गर्मी बहुत है। तो सर क्या कहना चाहिए भैया का पार्टी के बारे में? प्रियस को बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, प्रियस की तरह से ठंडा हम देखिए पी रहे हैं जी सर, चाहते हैं कि प्रियस ऐसे ही 100 साल जिए, पार्टी सब बच्चा लोग को भी देते रहे। अच्छा अब बच्चा है, एक बड़ा बच्चा भी है। थैंक यू प्रियस भैया, आपका इतना शानदार पार्टी के लिए गुवाह है हम लोग के लिए आपको कामयाब तो है ना भैया जी, फिल्म और कामयाब और कामयाब सो बोलो क्या भैया। चलिए थैंक यू सो मच। तो गाइस आज कॉलेज में देखें कि आज सेमिनार भी हो गया गाइस, और एक भैया का बर्थडे भी था, तो बर्थडे भी देख आप लोग देख ही ले होंगे भैया अच्छा पार्टी दें, पिज्जा का पार्टी और ठंडा का, गर्मी भी बहुत हो रखा है अभी पटना में गाइस। तो आज के लिए ब्लॉग में इतना ही गाइस, हमारे कॉलेज के ब्लॉग से फिर किसी दिन मिलते हैं कॉलेज के ब्लॉग में, और भी कोई ब्लॉग का सिचुएशन बनेगा। तो आप लोग अगर नए होंगे मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।